पहले देखते हैं कि स्टीयरिंग का कंट्रोल कैसा है। आप इसका कैप्टन सीट्स वाला वेरिएंट लेते हो तो वन एंड ओनली एसी गाड़ी है जो रियर में भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स प्रोवाइड करती है। ये देखो पावर सेकेंड गियर से, रेव स्टिल 5000 RPM। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। 700 सफारी दो रैवल SUV फ्रेम में इसलिए खड़ी है बिकॉज पिछली कंपैरिजन वीडियो बनाई थी, बट आज हमारे साथ है ऑल न्यू सफारी BS6 फेस 2 लेटेस्ट वेरिएंट और इसका फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन शेयर करने वाला हूँ। जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ। फ्रंट में कुछ इस टाइप का लुक है, वन एंड ओनली डीजल ऑप्शन के साथ आती है। साइड लुक्स आप चेकआउट कर सकते हो, साथ ही में मैं इसके साइड लुक्स दिखाते हुए 700 के भी दिखा देता हूँ, बिकॉज दोनों में से आपकी कौन सी फेवरेट है ये कॉमेंट में मुझे शेयर कर देना। रियर लुक्स आप इसके देख सकते हो। सब देखो बेसिक बातें तो कर ली, डिटेल में आज इसका पूरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन शेयर करने वाला हूँ। यहाँ से हम चल ही रहे हैं, GoPro को माउंट करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो यार चलते हैं इसको ड्राइव करने के लिए। 700 भी हमारी निकल रही है। सबसे पहले चेंजेस की बात करें ना फेस 2 में, तो अब आपको बड़ी इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाती है, साथ ही में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है। सबसे पहले तो कार को कर लेते हैं स्टार्ट। सो देखो अभी पहले स्टेयरिंग को करते हैं अलाइन और करते हैं इसका हैंड ब्रेक डाउन। सिंपली एक बार प्रेस करेंगे, ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा और फिर इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये हो गया है रिलीज। देखो यार मतलब क्या है ना, इसके पार्किंग ब्रेक का बहुत बड़ा लफड़ा है, मतलब ब्रेक वगैरह प्रेस करके निकालना पड़ती है। और इसके रिवर्स पार्किंग कैमरे का भी रिस्पांस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यार रिवर्स पार्किंग जो कैमरा है ना बहुत ही क्लियर दिया है, मतलब सेगमेंट में सबसे क्लियर है। 700 में तो यार आधी स्क्रीन बताता है, इसमें पूरी स्क्रीन बताता है। डिटेल में आज इसकी सारी बातें करने वाले हैं। स्टेयरिंग रिस्पॉन्स अभी देखें ना जगह पर तो यार काफ़ी हार्ड लग रहा है, बिकॉज ये है फुल्ली हाइड्रोलिक स्टेयरिंग। 700 में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग मिलता है जो कि आपको थोड़ा ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलने वाला है। बाकी यहां से निकालते हैं, बट यार अंदर बैठने के बाद जब भी मैं चलाता हूं ना हैरियर एज वेल एज सफारी को, तो एक मॉन्स्टर वाला फील आ जाता है, बिकॉज जिस हिसाब से पूरी बनाई गई है ना स्टेयरिंग का जो फील है। बाय बाय। ऑल राइट गाइस, सो निकलते हैं यहां से। पहले खाली रोड पे लेंगे, इनिशियल पिकअप देखेंगे, थोड़ी बड़ी वीडियो रहेगी बट मजा बहुत आने वाला है, बिकॉज मैनुअल वेरिएंट चला रहा हूं और 170 PS की पावर, तो सच में मजा आने वाला है आज की वीडियो में। सबसे पहले देखो इंजन स्पेक से ही स्टार्ट करते हैं। तो सफारी एज वेल एज हैरियर में एक ही इंजन ऑप्शन आता है, 2 लीटर टर्बोचार्ज क्रायोटेक इंजन जो कि सिर्फ डीजल में आता है। 170 PS, मतलब एग्जैक्टली बताऊं तो 167 PS की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 350 Nm ऑफ पीक टॉर्क। अगर आप 700 का डीजल वेरिएंट ले रहे हो तो वो सीधे 180 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा एंड 420 Nm का टॉर्क मैनुअल वेरिएंट में एंड 450 Nm का टॉर्क ऑटोमेटिक वेरिएंट में। सो अभी इसको ओवरटेक करते हैं एंड हम निकलते हैं सीधे। तो देखो अभी ऑफ रोडिंग पैचेज आए, सस्पेंशन की बात करते हैं। कहीं से भी इसको निकालो, मतलब अगर मैं कीचड़ वाले एरिया से भी निकालूँ ना, अंदर कुछ भी फील नहीं होता और इतनी रगेड बनाई गई है ना, कच्ची सड़कों पे भी चला रहे हो ना इसे, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे कि ऑफ रोडिंग पैच आया है, पहले देखते हैं कि स्टेयरिंग का कंट्रोल कैसा है। यार कहीं ना कहीं इसका स्टेयरिंग, अगर जैसे कि थ्रॉटल दूंगा ना, देखना ये देखो, जैसे ही मैं थ्रॉटल देता हूँ ये एक तरफ जाता है, जैसे कि मैं इसको अलाइन कर लिया स्ट्रेट, ये देखना, ये देखो ये एक तरफ ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, तो ये एक मुझे इसकी बेकार चीज़ लगती है। बाकी अपन निकलते हैं। ऑल राइट गाइस, यार वीडियो में बने रहना, यहाँ से सिर्फ खाली पैच पे जा रहे हैं। ये देखो कंट्रोलिंग, मतलब मज़ा आता है यार इस गाड़ी को चलाने में और जो रिएक्शंस मिलते हैं ना। सो अभी मैंने इसको ऑफ रोडिंग पैचेस पे चलाया, सस्पेंशन सेटअप बहुत ही बढ़िया और स्पेशली जो इनका वेट टू पावर रेशियो रहता है ना टाटा की कार का, भले ही आप कौन सी बजट टियागो एल्ट्रॉस देख लो या हैरियर सफारी, हाई स्पीड में आपको एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस देने वाली है। अब थोड़ा सा हाई स्पीड ले जाके देखते हैं। ये देखो काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है इसको चलाने में। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको इसमें कर दिया, बट मुझे एक नेगेटिव ये लगता है कि यार जो RPM है ना, मतलब 1000-2000 पूरा डिजिटल में शो करता है, तो मैं एग्जैक्टली ऐसे मेजर नहीं कर सकता कि यार 1500 RPM पे है कि 2000 RPM पे, तो ये एक नेगेटिव लगता है। बाकी स्टेयरिंग रिस्पॉन्स, अगर आपको एक रॉ फील चाहिए, एक रगेड SUV वाला फील चाहिए तो ठीक है, बाकी कहीं ना कहीं थोड़ा स्मूथ कर देती ना कंपनी तो वो एक बेटर चीज़ रहती। और बहुत सी शिकायतें आती थी टाटा के इंजन नॉइस से रिलेटेड एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, बिकॉज पुरानी हैरियर एज वेल एज सफारी में इतना इंफोटेनमेंट सिस्टम हैंग होता था ना, मतलब कभी भी आप सर्विस सेंटर जाते थे बोलते थे यार सॉफ्टवेयर
की दिक्कत है, तो अब वो इशू ख़त्म हो गया। मतलब आपको अब इन्फोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो टच रिस्पॉन्स है वो भी बहुत बढ़िया कर दिया है। इसमें आपको एडेप्टिव गाइडलाइंस भी मिल जाती है। अगर मैं हाईवे पे लेन चेंज कर रहा हूँ, लाइक मैं राइट स्टेयरिंग टर्न कर रहा हूँ तो रियर व्हील और पूरा राइट का व्यू दिखाती है, लेफ्ट स्टेयरिंग टर्न कर रहा हूँ तो लेफ्ट का व्यू। तो ये कुछ एडवांस फीचर इसमें कर दिया, और जो इंजन है ना बहुत रिफाइंड कर दिया। जैसे कि मैं हायर आरपीएम पे ले जाके दिखाता हूँ, ये देखो, तो जो इंजन है ना बहुत बढ़िया रिफाइंड कर दिया इसको। तो यार आज हम थोड़ा सिटी रन कर रहे हैं, तो मैं इसे हाई स्पीड पे शायद ही ले जाऊंगा, बिकॉज थोड़े रिस्की रोड्स हैं यहाँ पर, हाई स्पीड ले जाना सही नहीं रहेगा। सो अब यहाँ से लेते हैं इसका इनिशियल पिकअप। ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग है यार। देखो अगर सफारी के सेल्स फिगर की बात करें ना, तो सफारी एज वेल एज हैरियर का सेल्स फिगर अराउंड 4,500 गाड़ियां पर मंथ है। और वहीं अगर एक्सयूवी 700 की बात करें तो अकेली वो गाड़ी 5,000 से 5,500 गाड़ियां पर मंथ बिकती है, और वेटिंग भी उसमें बहुत ज्यादा है। बट एक नेगेटिव कहीं ना कहीं ये है कि यार जिन्हें सिर्फ कोर पेट्रोल गाड़ी लेनी है ना, जिनका माइंड सेट बना रहता है कि यार हमें पेट्रोल गाड़ी लेनी है, तो उन्हें कहीं ना कहीं इसमें दूसरी चॉइसेस नहीं मिलती, बिकॉज वन एंड ओनली डीजल ऑप्शन आता है। और इसी में अगर आप ऑटोमेटिक वेरियंट भी ले रहे हो तो आपको पावर स्पेक सेम ही मिलते हैं, तो वो एक सीन रहने वाला इस गाड़ी के साथ। ओवरऑल थोड़ी मैं आपको स्टेबिलिटी बताऊं ना, तो यहां पर यार आज रोड मैंने ऐसा चूज करा है कि सिटी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है यहां पर, बाकी आप ड्राइव तो एंजॉय करना ही। वैसे तो देखो यार गाड़ी मतलब लेन में रहती है, अगर आप इसको स्पीड में भी ऐसे टर्न्स ले रहे हो तो गाड़ी का स्टीयरिंग रिस्पांस बढ़िया है, ऐसी तो कोई इशू नहीं है। हैरियर पर मैं इतनी ड्राइव वीडियोस बना चुका हूँ, बट हमारी जो सफारी फेस टू है उस पर पहली वीडियो है। अगर आप बोलोगे तो मैं हैरियर पर भी लेकर आ जाऊँगा। नेक्स्ट बात करें अगर बूट स्पेस की, तो देखो यार अगर आप एक 7-सीटर कार लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो आपको बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस जो है टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में ही मिलेगी। इसमें एज वेल एज 700 में जो रियर बूट स्पेस है ना, मतलब नहीं के बराबर मिलती है। इसको थोड़ा खाली रोड पे चलाएंगे, देन हम सिटी ट्रैफिक में भी चला के देखेंगे कैसा क्या रिस्पांस रहता है, सिटी ट्रैफिक में आपको जजमेंट लेने में कैसी रहती है। बिकॉज टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तो आपको बहुत सारी वीडियोस में देखने को मिलेंगे। अब देखो इसके सिटिंग पोस्चर की बात करें ना, तो ओवरऑल तो कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर है, और ज़्यादा हाइट पे भी नहीं है। मतलब देखो नॉर्मल गाड़ियों से तो आपको हाइटेड फील होगी, अब लाइक सामने एस्टर है तो एस्टर से आपको एकदम ऊंचाई पर नहीं दिखेगी। मतलब 700 में भी सेम सीन है, बट अगर आप स्कॉर्पियो एन में बैठते हो ना, तो आपको एक बहुत ही हाइटेड फील होगा, तो वो एक चीज़ रहने वाली है। कमांडिंग पोजीशन इसकी अच्छी है। ब्रेक्स की बात करें तो ऑल फोर आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, साथ ही में जो रियर व्यू मिरर है ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ मिलता है, जो कि 700 में नहीं मिलने वाला। बार बार मैं इस कार को 700 से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज यार यही दो राइवल गाड़ियाँ हैं, और यही दो गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा डिमांड में है। ओवरऑल देखोगे इंटीरियर तो आपको सफारी एज वेल एज हैरियर में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बट सफारी और हैरियर में ये अच्छी चीज़ कर दी है कि यार इंटीरियर कलर की आपको चॉइसेस देखने को मिल जाती है। लाइक अगर आपको रेड डार्क थीम चाहिए तो पूरी डार्क एडिशन भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा, साथ ही में अगर फुल डार्क एडिशन चाहिए ब्लैक में तो वो भी कलर स्कीम देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारी कलर चॉइसेस आपको इसमें मिल जाती है। व्यू की बात करें तो बड़ा सा ORVM है, और यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट इतना कुछ भी नहीं बनता। ये जो ए पिलर है ना, यहाँ पर ज़्यादा जगह कवर नहीं कर रहा है, तो मुझे ओवरऑल बहुत ही ओपन लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट वाली सीट मिल जाती है मेमोरी फंक्शन के साथ। और अभी सफारी में कुछ ऐसे एडवांस फीचर है ना, लाइक अगर आप इसका कैप्टन सीट्स वाला वेरियंट लेते हो तो वन एंड ओनली एसी गाड़ी है जो रियर में भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो गाड़ियों को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। अब ये देखो पावर सेकेंड गियर से, रेव स्टिल 5,000 RPM। ये देखो बहुत मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में। मतलब कभी कभी तो यार देखो सिटी ड्राइव्स भी एंजॉय करना चाहिए, हाईवे पे तो हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता ही हूँ, बट मैं सोचा यार आज एक्चुअल में जो फील कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और बाकी जो मेरे व्यूअर्स है वो ड्राइव तो एज यूजुअल एंजॉय करते ही है। जहाँ एडास की बात आती है, एडास आपको इसमें नॉर्मली मिलता है। मतलब इसमें आपको लाइक सामने कौन सी गाड़ी है तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगी, या फिर स्टीयरिंग ऑटोमेटिक टर्न होगा, वो वाले फीचर्स 700 जैसे नहीं मिलते हैं। ओवरऑल तो बेसिक फीचर्स के साथ ये प्रोवाइड करिए। सब क्वेश्चन आता है कि यार आपको सफारी लेना चाहिए कि नहीं, तो अकॉर्डिंग टू मी देखो सफारी एंड एक्सयूवी 700 दोनों ही काफ़ी बढ़िया गाड़ियां हैं, दोनों ही 5-स्टार रेटेड कार्स है। बट आपको ज़्यादा प्रीमियमनेस चाहिए इंटीरियर में, ज़्यादा कंफर्टेबल ड्राइव चाहिए, और कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर स्टीयरिंग फीडबैक चाहिए, तो मैं यही बोलूँगा कि यार 700 के साथ जाओ। बट जहाँ आपको एक मॉन्स्टर वाला फील चाहिए, रॉ रगेड फील चाहिए, साथ ही में एक मजबूत एसयूवी, मतलब कच्ची सड़कों पर चलाओ, कहीं भी चलाओ, वो चाहिए, तो यार सफारी इंडियन मार्केट में पहले से ही बहुत बड़ा नाम है, तो फिर आपके लिए सफारी एक बेस्ट चॉइस बन जाएगी। मैं सिटी रन में चला के दिखा रहा हूँ
हूँ आपको। अब अगर डायमेंशंस की बात करें तो देखो मैं 700 से कंपेयर करके बताऊंगा, इसमें आपको बेस्ट इन सेगमेंट हाइट मिल जाती है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप टॉल हाइटेड भी हो ना तो आपको तीनों ही रो में जो हेड रूम है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। बहुत से लोगों को सफारी की रियर प्रोफाइल का लुक इसलिए अच्छा नहीं लगता बिकॉज पीछे से काफ़ी हाइटेड कर दिए, कहीं ना कहीं थर्ड रो में आपको ज़्यादा बेटर हेड रूम मिलने के लिए। विड्थ की बात करें तो 700 के कंपेरिजन में 4 mm ज़्यादा है। इसकी जो लेंथ है थोड़ी सी कम है, 30 mm कम है, तो रोड प्रेजेंस में साइड से ज़्यादा बेटर मुझे लुक 700 का लगता है बिकॉज वो ज़्यादा खींची हुई लगती है, मतलब एक बहुत बढ़िया लुक देती है। बाकी ओवरऑल फ्रंट एंड रियर लुक सब्जेक्ट हुए, आपको कौन से अच्छे लगते हैं, कौन सी कार के अच्छे लगते हैं ये कमेंट में एक बार जरूर बताना। बाकी फेस 2 में यार सारी चीजें अपडेट कर दी है।